अमेठी में परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाले दशहरा पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना के कारण दशहरा किया गया स्थगित। हजारों की संख्या में लोगों की मेले में लगने वाली भीड़ इस बार नहीं आएगी नजर। महामारी को देखते हुए सरकार दशहरा उत्सव मनाने से कर रही है इनकार। जनता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर समिति ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष हम दशहरा मेला एवं भरत मिलाप का कार्यक्रम नहीं करेंगे। सुल्तानपुर के पारा बाजार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति द्वारा किया गया आयोजन। आदर्श श्री गोस्वामी बाबा इंटरमीडिएट कॉलेज बल्दीराय में किया गया आयोजन। महिला पुरुषों से कम नहीं, इस बारे में जानकारी दी गई। अमेठी में 13 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जनपद में अब तक पाए गए कुल 2,768 कोरोना पॉजिटिव मामले। वर्तमान में 199 एक्टिव केस। अब तक 26 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने प्रातः 7 बजे से लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व SHO को किया फोन। तत्काल समस्या के समाधान के लिए किया निर्देशित। केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने संसदीय क्षेत्र के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव पहुंचकर प्रधान प्रतिनिधि अभिमन्यु विश्वकर्मा के निधन पर परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा धान की फसल का स्वयं क्रॉप कटिंग का किया गया शुभारंभ। तहसील सदर के राजस्व टीम से क्रॉप कटिंग कराया। किसानों से पराली को खेतों में न जलाने की अपील की। सुल्तानपुर जिलाधिकारी द्वारा मत्स्य कार्यालय का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की उपस्थिति पंजिका का किया गया अवलोकन। कनिष्ठ लिपिक के अनुपस्थित पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। स्पष्टीकरण देने के दिए गए निर्देश। अमेठी में वर्षों से सड़क का मरम्मत कार्य न होने से नाराज ग्रामीण बैठे धरने पर। 3 गांव के लोगों को आने जाने का सही रास्ता न होने के चलते आए दिन होती थी घटनाएं। अमेठी प्रशासन व जनप्रतिनिधि से शिकायत के बाद भी आज तक नहीं हुई सड़क की मरम्मत का कार्य। पिछले 5 महीनों से धरने पर बैठे हैं 3 गांव के लोग। ग्रामीणों द्वारा दिए गए धरना स्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार व CO समेत भारी पुलिस बल। ग्रामीणों ने सड़क के मरम्मत कार्य के लिए नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन। जामो विकास खंड के रुद्रगढ़ गांव में धरने पर बैठे थे लोग। माननीय जिलाधिकारी महोदय को बता दिया गया है और आपके ज्ञापन के माध्यम से शासन को भी अवगत करा दिया जाएगा कि जो आपकी मांग है यहाँ पर इसको पक्की सड़क का निर्माण करा दिया जाए। क्या 3BHK फ्लैट के दाम में लखनऊ में 3BHK का विला मिल पाएगा? जी हाँ, सैन फ्रैन ग्रुप लेकर आए हैं सैन फ्रैन स्टेट सुल्तानपुर रोड लखनऊ में LDA और RERA अप्रूव्ड 3BHK विला, वो भी फ्लैट के दाम में लोन सुविधा के साथ। और जब एंकर स्टोर और शॉप्स भी उपलब्ध हैं तो फिर कहीं और क्यों जाना। जी हाँ, सैन फ्रैन ग्रुप लेकर आए हैं सैन फ्रैन स्टेट सुल्तानपुर रोड लखनऊ में LDA और RERA अप्रूव्ड 3BHK विला, वो भी फ्लैट के दाम में लोन सुविधा के साथ। और जब एंकर स्टोर और शॉप्स भी उपलब्ध हैं तो फिर कहीं और क्यों जाना। अमेठी में स्वदेशी जागरण यात्रियों ने कस्बे में पद यात्रा निकालकर चीन का किया बहिष्कार। चीन का पुतला फूंककर स्वदेशी सामानों के लिए कस्बे में चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को भी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार एवं होलिका दहन करने का दिलाया संकल्प। सुल्तानपुर के लम्भुआ में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी। वेतन भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने एवं हाल ही में निलंबित किए गए संविदा कर्मी आनंद कुमार अग्रहरी को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। संविदा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार अग्रहरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया निराधार। मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। SDO लगभग द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई थी, SDO द्वारा पत्र लिखकर, उसमें हम निराधार जो है साबित नहीं हुए हैं, बिल हमारे ऊपर लगा नहीं है, तभी SDO साहब द्वारा कंपनी द्वारा लेटर जारी करके निकाल दिया गया। सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन सांसद मेनका गांधी ने अखंड नगर करौदी कला वादकादीपुर में आयोजित जनता दर्शन में क्षेत्रीय नागरिकों की जनसमस्याओं का व्यापक स्तर पर निस्तारण किया। अखंड नगर में धान क्रय केंद्र के औचक निरीक्षण में अनियमितता की शिकायत पर क्रय केंद्र प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। फरियादियों की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान हेतु निर्देशित किया।
महिलाओं में बढ़ती हिंसा और निर्भया फंड के इस्तेमाल न किए जाने के संदर्भ में सुल्तानपुर में छात्र संगठन SFI ने तिकोनिया पार्क में दिया एक दिवसीय धरना। धरने के बाद जुलूस निकालकर SDM सदर को महिला एवं विकास मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सच्चाई वही जो हम बताएं।